Hello students, today I am going to explain you tenses. What is tense? सबसे पहले हमको यही जानना है ये tenses होते क्या है. Tenses means time. What is the meaning of that? Time. What is time? टाइम मीन्स जैसे कि आपको पता है टाइम मीन्स वक्त होता है. और टाइम जो होता है टाइम इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट मीन्स वॉट एवर इज गोइंग ऑन. सपोज मैं अभी क्या कर रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही, मैं आपको टेंस एक्सप्लेन कर रही हूं. मींस जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. सेकंड थिंग पास्ट. व्हाट इज पास्ट? मींस व्हाट एवर हैज पास्ट, जो हो चुका. सपोज मैंने कल दाल चावल खाए थे तो जो खाने का काम हुआ क्या हुआ? खत्म. और दूसरी चीज काम हमने कब किया? पास्ट. तो दैट इज कॉल्ड पास्ट. मींस वी कैन से दैट कि प्रेजेंट जो होता है वो हमको टुडे में इंडिकेट करता है और पास्ट जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यस्टरडे को इंडिकेट करेगा. थर्ड आता है फ्यूचर. मींस Tomorrow, यानी आने वाला कल. वी कैन सिंपली से दैट. एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसको हम प्रेजेंट, किसको हम पास्ट और किसको हम फ्यूचर कहेंगे. और बहुत ही इजी तरीके से आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ये क्या है? ये रहा आपका, ये देखिए यहां हम हैं. ये क्या है? प्रेजेंट. जो गया वो क्या था? पास्ट. जो अब आएगा दैट इज कॉल्ड फ्यूचर. कुछ और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर. मैं जब छोटी थी तो बहुत शैतानी करती थी. मैं जब छोटी थी मींस अब मैं क्या हूं? अब मैं बड़ी हो गई हूं, अब तो शैतानी नहीं करती. मतलब मैं शैतानी करती थी मींस अपने बचपन में. सारी चीजें किसमें आ रही हैं? थी यानी कि हो गई. तो दैट मींस पास्ट. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको टेंस पढ़ाती हूँ, मैं आपको पोयम समझाती हूँ. मीन्स प्रेजेंट टाइम चल रहा है. तो दैट इज मीन्स दिस इज प्रेजेंट. फ्यूचर सिंपली वी कैन से दैट वी डोंट नो. हम नहीं जानते फ्यूचर क्या है. फ्यूचर मीन्स होता है, आपको पता है कि फ्यूचर मीन्स क्या होता है? जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती. हम लोग प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट समर वेकेशन में हम यहां घूमने जाएंगे, मान लीजिए मनाली घूमने जाएंगे. अब वो होता है या नहीं, दिस इज डिपेंड अपॉन फ्यूचर. पास्ट हम जानते हैं क्योंकि वो सब कुछ हमने जिया है या वो सारे काम हम कर चुके. प्रेजेंट हम कर रहे हैं, गोइंग ऑन है. फ्यूचर बिन मींस आने वाले वक्त में जो होगा. इनको अब हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. तो एज आई हैव टोल्ड यू कि वी कैन डिवाइड द टेंस इनटू थ्री टाइप्स, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. एंड दीज थ्री टेंसेस आर आल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट आई वांट टू टेल यू. फर्स्ट इज इंडेफिनिट. इंडेफिनिट. Second thing is continuous.
इज परफेक्ट एंड फॉर दिस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस means four path and included a whole it will convert in 12 because when we add with present past or future that will become overall is 12 sentences. Suppose present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous, same thing past indefinite, past continuous, past perfect continuous with the future also, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Clear? So now I think everything is okay.